के नाम पर, प्रांत के नाम पर हमारे समाज को तोड़ते हैं। वो विचारधारा जो एकता में नहीं पर एक रूपता में विश्वास रखती है, हम एकता में विश्वास रखते हैं, अनेकता में एकता, पर बीजेपी और आरएसएस एक रूपता में विश्वास रखती है। राजीव रंजन चौधरी कोई ट्रोजन घोड़ा नहीं है, वो पीसीसी अध्यक्ष है, उनको पार्टी चलाना है, उनको संगठन चलाना है, कार्यकर्ताओं को जोश में रखना है, तो कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं टीएमसी के साइड से, हमारे ओर से बातें हो जाती हैं, पर ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। हमारी ओर से तो चल रही है, हालांकि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि ममता जी ने कहा है 42 सीटों में वो लड़ेगी, पर हमारे ओर से हम चाहते हैं। देखिए, जब हम समझौता करते हैं, समझौता का मूल सिद्धांत क्या होता है? लेन देन, हमें कुछ लेना है, हमें कुछ देना है। सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। सभी पार्टियों को इसको पहचानना है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही औपचारिक तौर से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसकी घोषणा दोनों ओर से की जाएगी। अब तो एक तरफा घोषणा हुआ है, हमने कुछ नहीं कहा।